यात्रा सोलो ट्रिप, अगर आप अकेले केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो भी अक्टूबर के महीने में, और आप ये पता करना चाहते हैं कि कहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करें, कहाँ हमको रुकना चाहिए और हमारा क्या खर्चा उसमें आने वाला है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप सोलो यात्रा किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह सोलो यात्रा करना पसंद करते हैं, यानी अकेले ही जाना पसंद करते हैं। मैं खुद अकेले ही यात्रा करना पसंद करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई मेरे साथ लग ही जाता है। वैसे तो मैंने देखी यात्रा से जुड़े हर वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल खोल के यहाँ आप केवल केदारनाथ सर्च करिए, केदारनाथ सर्च करते ही आपको केदारनाथ से जुड़े जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के जो भी अपडेट आते हैं वो सब मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो अगर आपको सोलो ट्रिप नहीं करनी है, आप ग्रुप में जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे आके सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें आप अपनी यात्रा का पूरा ट्रिप प्लान बना सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ खास उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सिंगल यानी जो सोलो यात्रा करना चाहते हैं, अकेले ही अपनी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यात्रा करने से पहले सबसे पहले तो आपको यात्रा का पंजीकरण करना है। पंजीकरण किस तरह किया जाता है मैंने अपने इस चैनल पे दे रखा है, ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और फिर आप जिस भी राज्य से आ रहे हो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस चलती है जो कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकलती है और आपको 3 बजे वो सोनप्रयाग उतार देगी। आप चाहें तो बस की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। बस की बुकिंग ऑनलाइन कैसे की जाती है उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले देखे यहाँ अपलोड कर चुका हूँ, जिसे मैंने अपनी खुद की बस बुक करके दिखा रखा है। ऊपर आई बटन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हरिद्वार आके भी बस बुक कर सकते हैं। हरिद्वार थोड़ा आपको सस्ता रेट मिल जाता है। ऑनलाइन जो बस का रेट है वो है 1000 रुपये, ऑनलाइन आपको 600 से 650 या 700 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत रहती है कि यहाँ आपको आपकी पसंद की सीट नहीं मिलती, जो भी सीट वो देंगे वहाँ आपको बैठना पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में कम से कम 8-9 घंटे लग जाते हैं। सुबह 5 बजे बस चलती है और 3 बजे के आसपास आपको सोनप्रयाग उतारे की 1 घंटा बीच में वो खाने के लिए रुकती है। तो आप बीच में रुक के खाना पीना खा सकते हैं, चाहे कोई बाइक से जाए, चाहे कोई गाड़ी से जाए, चाहे कोई बस से जाए, सारी की सारी बसें गाड़ी बाइक सोनप्रयाग तक ही जाती है, उससे आगे कुछ नहीं जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोनप्रयाग स्टे करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपनी यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग स्टे मत करिए, आप सीधा गौरीकुंड स्टे करिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और वहीं से प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको गौरीकुंड उतार देगी, जिसमें वो 30 से 40 रुपये चार्ज लेते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग और देन सोनप्रयाग से गौरीकुंड, सबसे पहला स्टे आपका गौरीकुंड होगा। गौरीकुंड एक अच्छी जगह है, वहाँ भी आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी। तो गर्म कपड़े तो आपको बिल्कुल अपने साथ रखने, आपको गौरीकुंड में भी ठंड देखने को मिलेगी, सोनप्रयाग में भी इतनी नहीं है लेकिन गौरीकुंड में ज़्यादा है। और देन जब आप ऊपर केदारनाथ में जाएंगे वहाँ भी आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी, वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर होता है। तो गौरीकुंड स्टे करने के बाद आप अपनी यात्रा सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रूम रूम का क्या रेट आपको गौरीकुंड में मिलने वाला है। तो रूम आपको 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैं जाता हूँ पिछली जितनी भी यात्रा हुई है तो मुझे लगभग 300 रुपये के आसपास आराम से रूम मिल गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा वहाँ महंगा हो सकता है क्योंकि इस बार अक्टूबर में भी अच्छी खासी वहाँ भीड़ होने वाली है। तो 500 रुपये आप रूम मान के चलिए गौरीकुंड में। गौरीकुंड में स्टे करने के बाद फिर आप सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं ठीक 4 बजे रूम छोड़ देता हूँ और अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ। उस समय मौसम भी ठंडा होता है और दिन भी नहीं निकला होता है, तो चढ़ाई चढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, और जब तक दिन निकल चुका होता है तब तक मैं काफ़ी ज़्यादा रास्ता कवर कर चुका होता हूँ। और रास्ते में आपको काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी, आपका जहाँ भी मन करे आप खाते पीते ऊपर बढ़िए, भूखे प्यासे ना बढ़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी ज़्यादा थकावट आपको वहाँ होगी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है,
और जब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ 4 बजे, तो लगभग 2 या 3 बजे के आसपास मैं केदारनाथ पहुँचता हूँ। तो सबसे पहले केदारनाथ पहुँचने के बाद आप अपना रूम बुक करिए, यानी अगला स्टे आपका केदारनाथ में होने वाला है। और केदारनाथ में भी मंदिर के पास ऐसी बहुत सी धर्मशाला है जहाँ आप जाके अपना रूम बुक कर सकते हैं। 300 से 500 से 1000 रुपये में रूम आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं भाई बिल्कुल मंदिर के पास ही रूम लें, तो उसमें फिर वो उनको थोड़ा महंगा मिलने वाला है। और कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि भाई रूम नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं, आप मंदिर के पीछे पूरा घूम के देखिए, वहाँ काफ़ी सारी धर्मशाला है। वरना यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने वीडियो भी डाल रखे होंगे, आप चाहें तो वीडियो देखिए। वरना मैं इस वजह से जाऊँगा आपके लिए स्पेशल, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चल सके वहाँ कितनी सारी धर्मशाला हैं। रूम बुक करने के बाद आप थोड़ा आराम करिए, क्योंकि अगर आप 2 या 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है आराम करने का। तो आप आराम करिए, अपनी जो थकावट है, क्योंकि पैदल यात्रा करके जो थकावट होती है वो बड़ी भयंकर थकावट होती है। लेकिन जब आप ऊपर केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। तो आप थोड़ा आराम करिए और शाम को जो आरती होती है उसमें शामिल होइए, और देन अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके मंदिर के आगे आगे खड़े हो जाइए। अगर आपको किसी पंडित को पैसा देना है तो वो भी वहाँ सुविधा है, पंडित को पैसा दे के VIP दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम प्राइस में मेरी यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से निपट जाए। तो मैं आपको अपना बताना चाहूँगा, मैं सुबह 4 बजे ही अपना नहा धो के मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट खोलते हैं तो सबसे पहला नंबर मेरा होता है। तो उसके बाद सीधा आप अंदर जाइए, गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए, और देन बाहर आके फिर आप फ्री हैं। आप ये मान के चलिए 6:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। फिर जी भर के जितना चाहें आप फ़ोटो खींचिए। आपको ऊपर भैरवनाथ के मंदिर जाना है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। या जो अब नया इन्होंने शंकराचार्य की मूर्ति बनी, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। मतलब आप पूरा घूम फिर सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होता है। और फिर आप आराम से अपना नीचे आइए। नीचे आने में कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मैं जो केदारनाथ से निकलता हूँ लगभग 9 बजे के आसपास में केदारनाथ से निकल जाता हूँ, और लगभग 1-2 बजे के आसपास में नीचे सोनप्रयाग पहुँच जाता हूँ। आप सबसे पहले गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से फिर आप सोनप्रयाग जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं तो आप तीसरा दिन स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टे नहीं करना चाहते तो वहाँ बसें बिल्कुल तैयार खड़ी रहती हैं हरिद्वार के लिए। आप सीधा बस में बैठिए और लेट नाइट यानी 11-12 बजे तक वो बस आपको हरिद्वार पहुंचा देगी। तो सिंगल पर्सन के लिए ये एक बहुत ही सिंपल सी यात्रा थी जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। अब अगर आप सोलो ट्रिप करना चाहते हैं तो पूरा प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। जो बस का खर्चा आपको आना है वो लगभग 2000 रुपये के आसपास आना है, और रूम का खर्चा भी आप 2 दिन स्टे करने वाले हैं अब 2000 मान के चलिए। हालांकि इतना लगता नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप 2000 मान लीजिए। वैसे तो आपका गोरीकुंड 500 रुपये में रूम आराम से मिल जाएगा, और जो आपका वहाँ केदारनाथ है वहाँ भी आपको 500 में आराम से मिल जाएगा। आप चाहें तो 1000 लगा लीजिए, 1000 रुपये आपका रूम का हो गया 2 स्टे का। और हरिद्वार से अप डाउन यानी हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आपका हरिद्वार, 2000 रुपये आपका ये हो गया। बाकी जो खाने पीने का खर्चा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खाते पीते हो। तो लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में आराम से फर्स्ट क्लास यात्रा केदारनाथ की हो जाएगी अगर आप सोलो ट्रिप करते हैं तो। तो मेरी यात्रा भी लगभग 3000 रुपये के आसपास निपट जाती है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ होगा जो सोलो ट्रिप करना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कहाँ से जाएँ, कहाँ रहें, कहाँ खाएँ, कैसे यात्रा करें। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रिप के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।